नमस्कार। आज एकलव्य मानव संदेश पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज निषाद, कश्यप, बिंद समाज का जो आरक्षण की हम लोग मांग करते रहते हैं, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा चर्चा रहती है। उस चर्चा में, क्योंकि अभी चुनाव का टाइम है, हमारे आपके सामने आज हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी, और मैं चाहता हूं कि आज ये जो प्रसारण एकलव्य मानव संदेश के माध्यम से आप देख रहे हैं, एकलव्य मानव संदेश हमेशा परिभाषित आरक्षण की जो मांग है उसको प्रमुखता से रखता रहा है, और माननीय सांसद जी ने सड़क से लेकर के संसद तक सबसे ज़्यादा इस आरक्षण की मांग को उठाया है। तो आज जो भी साथी एकलव्य मानव संदेश के इस लाइव प्रसारण में जुड़ रहे हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये संदेश जो आज का है, क्योंकि 2022 का चुनाव इस उत्तर प्रदेश या हमारे समाज की बात नहीं, पूरे देश और दुनिया में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में इस बार जो भाजपा जैसी सरकार, जिसने बहुत सारे मुद्दे इस समाज में खड़े कर दिए, इस धरती पर खड़े कर दिए, उनको दूर करने के लिए एक रास्ता भी देने वाला है, तो मिनी चुनाव कहा जाता है देश का। और इस चुनाव में क्या होने वाला है, कैसे हम लोग अपने आप को कहाँ रखें, तो आज माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं कि मेन उनका जो अपना विचार है, विजन है, वो आपके सामने लाइव रखें आज एकलव्य मानव संदेश के माध्यम से। सांसद जी, स्वागत साथियों और साथियों नमस्कार। मैं एकलव्य मानव संदेश के संपादक जसवंत जी का और सभी दर्शक साथियों को बधाई देता हूँ, नए साल की बधाई देता हूँ। और चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव की बेला है, प्रथम चरण का चुनाव प्रारंभ हो चुका है और आगे धीरे धीरे चरणवार पूरे प्रदेश में चुनाव संपन्न होने हैं। जो हम लोगों की लड़ाई थी, लगभग इससे पूरे कश्यप निषाद बिंद समाज के लोग, सभी लोग सहमत थे, सभी पार्टियों के लोग सहमत थे कि जो आरक्षण की बात करेगा वो प्रदेश में या सेंटर में राज करेगा, ये नारा लगा था। और आप लोगों ने, सब लोगों ने अपने नेताओं के साथ में एकजुट होकर के इस बात को कही थी। उसमें हम कहना चाहते हैं कि हमारा परिभाषित आरक्षण जिस तरह से दिल्ली में मल्ला अनुसूचित जाति में है, मध्य प्रदेश में माझी अनुसूचित जाति में है, उत्तर प्रदेश में मझवार, बेलदार, गोंड, तुरैया, शिल्पकार, ये अनुसूचित जाति में है, लेकिन राज्य सरकारें, चूंकि हमारी कोई गिनती नहीं हो रही, 1931 में जाति जनगणना हुई थी और लगातार पूरे देश में मांग आ रही है कि हमारी जाति जनगणना कराई जाए और हमारा गणना के आधार पे, हमारी संख्या के आधार पे हमको भागीदारी आरक्षण दी जाए। क्योंकि देश में रोजगार कमी है, अगर कोई दिल्ली का मल्ला है गाजियाबाद चला जाता है नदी पार करके, यमुना नदी पार करके, तो वहाँ पर OBC बन जाता है। इसी तरह से पूरे देश में भी संगतियाँ हैं, स्टेट वाइज लिस्ट बनी है। तो मैंने पार्लियामेंट में एक बिल भी रखा था, कई घंटों, कई दिनों तक, कई बार चर्चा हुई, वोटिंग हुई, लेकिन जो सबसे बड़ी हमारी दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी न तो हमारी जाति जनगणना कराना चाहती है और न हमारा परिभाषित आरक्षण देना चाहती है। चुनाव के समय, जब पिछले चुनाव में 2017 में अमित शाह जी भदोही गए थे और एक हमारे बिंद समाज के यहाँ खाना खाया था और कहा दलित समाज के यहाँ खाना खाया, और पूरे हमारे बिंद समाज के लोगों ने, मल्ला समाज के, केवट समाज के लोगों ने, कश्यप समाज के लोगों ने वोट करने का काम किया था। और जब बिंद समाज का बेटा पार्लियामेंट में अमित शाह जी के सामने प्राइवेट मेंबर बिल रखता है कि बिंद समाज को दलित में मानिए, आपने चुनाव के समय माना था, इसको परिभाषित करिए, इसको आरक्षण दीजिए, तो वहाँ पे साफ मना कर दिया और
विरोध में वोट किया, अगर आप देखे होंगे लाइव हमारे यूट्यूब में, तो और सबको कह रहे थे कि भाई सब लोग खिलाफ में वोट करना है, खिलाफ में वोट करना है, अमित शाह जी कह रहे थे, समझा रहे थे लोगों को कि भाई इसमें इनके पक्ष में वोट नहीं करना है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक हमारे समाज के एक तथाकथित नेता ने पूरे प्रदेश में प्रचार किया था कि आपको आरक्षण मिलने वाला है, चलिए आरक्षण रैली हो रही है, आरक्षण रैली हो रही, जोर शोर के साथ पूरे प्रदेश से लोग गए और वहाँ पर मंच के बैनर में न तो हमारे महाराजा निषाद राजगुरु की फ़ोटो थी, न वीरांगना फूलन देवी की फ़ोटो थी, और न कोई उनको स्थान था और न उनका कोई नाम लिया गया। और अमित शाह जी ने एक भी बार अपने परिभाषित आरक्षण की बात नहीं की, जिससे पूरे प्रदेश का हमारा मछुआरा समाज, कश्यप निषाद बिंद समाज आक्रोशित हो गया, वहीं पे तोड़ फोड़ कुर्सियां तोड़ी, वहां पे मुर्देबाद के नारे लगाए और नारा लगाया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप जो रैली में कह के आए थे, पहले से लगातार कह रहे थे आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो आप लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आरक्षण नहीं तो वोट नहीं और समाजवादी पार्टी के जहाँ जहाँ से प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनका सपोर्ट करने का काम करें, जिससे आने वाले 2024 में हम परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचा सकें। ये पूरा देश प्राइवेटेशन की तरफ जा रहा है, हमारी जाति जनगणना नहीं हो रही, आज जिस तरह से पूरे देश में हालात हैं, प्रदेश में हालात हैं कि हमारी बहन बेटियाँ नहीं बच रही हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, कहीं FIR नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो मैं अंत में मैं एकलव्य मानव संदेश को बधाई देते हुए कि बेबाक और निर्भीक निडर होकर के जो एकलव्य मानव संदेश अपनी बात पूरे देश में पहुंचाने का काम करता है, मैं एकलव्य मानव संदेश चैनल यूट्यूब चैनल को, इनके अखबार को, इनको बधाई देता हूं, संपादक जी को, कि लगातार जब फूलन देवी जेल में बंद थी तब से लगातार आपका संघर्ष रहा और हम लगातार तब से देखते रहे, हमें भी फूलन देवी के साथ जेल में रोटियां खाने को मिली और हमें उनको जेल से निकालने में हमने साथ दिया और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जेल से रिहा करा के अपनी वीरांगना बहन फूलन देवी को दो दो बार सांसद बनाने का काम किया और जिस फूलन देवी के हत्या करने वाले शेर सिंह राणा आज जो है भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बने हुए हैं, उनके साथ घूम रहे हैं और पुलिस फोर्स उनके साथ काम कर रही है और योगी जी उनका आतिथ्य कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसी मनवादी मानसिकता वाली भारतीय जनता पार्टी को जो है बेनकाब करें, जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकती, वीरांगना फूलन देवी जैसे हमारी बहन को इनके एक प्रवक्ता सुधांत त्रिवेदी उसको हत्यालीन कहते हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी में तमाम बैठे हुए लोग जो भाजपा के एजेंट बने हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता बने हुए हैं, नेता बने हुए हैं, वो बोल तक नहीं सके कि सुधांत त्रिवेदी जो भाजपा का सांसद है और प्रवक्ता है किस तरह कह रहा है। मैंने तो कहा था ये सुधांत त्रिवेदी अगर फूलन देवी के साथ जिस तरह अत्याचार हुआ था, अगर उसी तरह से तुम्हारी बेटी अगर फूलन देवी की होती उसके साथ अत्याचार होता, तुम बलात्कारियों के साथ खड़े होते कि अपनी बेटी के साथ खड़े होते, ये मुझे उत्तर दो। तो मैं अपने साथियों से, दर्शक साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये विधानसभा चुनाव चल रहा है 10 फरवरी से जो चुनाव प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें सभी चरणों में आप जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को साइकिल के बटन दबा के उनके गठबंधन के साथियों को विजयी बनाएं, जिससे हम लोग अपनी जाति जनरल करा सकें, अपने परिभाषित आरक्षण की लड़ाई प्रदेश से लगाकर सेंटर तक लड़ सकें और अपना आरक्षण ले सकें। इन शब्दों के साथ सभी को जय निषाद, जय क्लब, जय कश्यप, सभी को बहुत बहुत बधाई, जय हिंद। धन्यवाद सांसद जी। अभी आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी को एकलव्य मानव संदेश के माध्यम से। दोस्तों हम आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये संदेश पूरे समाज में, पूरे देश के अंदर फैले और आप देखते रहिए एकलव्य मानव संदेश को। आने वाले चुनाव में हम बहुत सारे आपके बीच में इस तथ्यों को उजागर करते हुए आह्वान करेंगे कि एक बार जो है चिल्ला करके समाज भाजपा को हराए, जिससे उसमें दहशत पैदा हो कि भाजपा को लगे 2024 से पहले इस समाज के आरक्षण को लागू करने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि अब तो चुनाव है, चुनाव में कोई आरक्षण नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप हरा देंगे तो प्रदेश सरकार ने पहले भी दिया 2 बार,
अखिलेश यादव सरकार, उससे पहले मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने उस आरक्षण को हम बचा सकें, उस आरक्षण को लागू करा सकें। अगर आपने उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने में अपने आप को लगाया जाति धर्म से आगे उठते हुए, केवल और केवल अपने आरक्षण को बचाने के लिए, वीरांगना फूलन देवी के अपमान को बचाने के लिए, हम और आपको इस भाजपा को हराने के लिए वोट देना है। इसी के साथ आज का हम प्रसारण बंद करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।